हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूँ ब्यूटीफुल मोहरी डिज़ाइन। उसके लिए हमने 3 इंच की मोहरी तैयार कर ली है और अब हम मोहरी के नीचे साइड 4-4 इंच के गैप में निशान लगाएंगे और इस 4 इंच के सेंटर में ऊपर 2 इंच पर निशान लगाएंगे और इससे आगे वही 4-4 इंच के गैप में निशान लगाएंगे और ऊपर साइड इस सिलाई से डॉट लगाएंगे हम 1/2 इंच से भी कम गैप में, क्योंकि ये जो हम ट्रायंगल बनाएंगे ये सिलाई हम ऊपर वाली सिलाई से टच नहीं करेंगे, गैप रखेंगे। ये देखिए, नीचे हम टच करेंगे लेकिन ऊपर थोड़ा सा गैप रखेंगे जहाँ तक हमने डॉट लगाया था। इस तरह से ट्रायंगल्स बनाते जाएंगे और अब यहाँ पर भी ऐसे ही डॉट लगाएंगे और ये जो दूसरी सिलाई लगाएंगे अब इसे नीचे वाली सिलाई से टच नहीं करेंगे। ये देखिए, इतना गैप रखते हुए यहीं से वापस मोड़ लेंगे। ये ऐसे ट्रायंगल बनाते चलेंगे, डबल डबल लाइनें कर दी हैं हमने यहाँ। और अब एक पैर से थोड़ा सा ज़्यादा गैप रखते हुए ये सीधी सिलाई लगाएंगे और ये इस कोने पर से उन्हीं सिलाई पर जाते हुए आगे फिर से ऐसे ही ये सिलाइयाँ लगा लेंगे हम। और ठीक इसी तरह ऊपर साइड भी बिल्कुल सेम ऐसे ही एक पैर से थोड़ा सा ज़्यादा गैप रखते हुए ये सीधी सिलाई लगाएंगे और इस नोक पर से इन्हीं सिलाइयों पर जाते हुए फिर से ऐसे सीधी सिलाई लगाएंगे। इसे भी कंप्लीट कर लेंगे और अब देखिए गलाई में ये सिलाई लगाएंगे और इसे एक पैर से कम गैप रखते हुए डबल कर लेंगे ऐसे। और अब जो ट्रायंगल हमने बनाया था इस सिलाई पर से जाते हुए यहाँ इस कोने में 3 सिलाई लगाएंगे, सेंटर वाली सीधी और साइड वाली थोड़ा थोड़ा सा गुलाई देते हुए ऐसे। ये 3 सिलाइयाँ हमने लगा ली हैं और अभी सी ट्रायंगल वाली सिलाई पर से जाते हुए नीचे साइड फिर से अगले ट्रायंगल में ऐसे गुलाई में सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, और फिर से इसे डबल कर लेंगे ऐसे। और अब फिर से इसी सिलाई पर से आते हुए ऊपर वाले कोने में फिर से वही 3 सिलाइयाँ लगा लेंगे। और अब ऊपर साइड भी ऐसे ही गलाई में सिलाई लगाएंगे। अब फिर से ऐसे ही गोलाई वाली सिलाई को डबल कर लेंगे और इस ट्रायंगल वाली सिलाई पर जाते हुए इस कोने में फिर से वही 3 सिलाई लगाएंगे छोटी छोटी ऐसे। ये देखिए, और अब फिर से ये जो ट्रायंगल वाली सिलाई है इस पर आते हुए ऊपर साइड फिर से वैसे ही गोलाई में सिलाई लगाएंगे और इसे फिर से डबल कर लेंगे और आगे भी इसी तरह बनाते चलेंगे। अब मोहरे के नीचे साइड यहाँ पर हम ये लहर बना लेंगे और इस कोने पर से सिलाई के ऊपर से जाते हुए यहाँ पर फिर से लहर बना लेंगे और सेम इसी तरह ऊपर वाली साइड भी हम ऐसे ही लहर बना लेंगे ऐसे। इस कोने पर से उसी सिलाई पर जाएंगे और फिर से लहर बनाएंगे और इसी तरह अपना डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारा डिज़ाइन पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह के ब्यूटीफुल डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल कास्ट से कास्ट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।